हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समोसा रेसिपी। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, आज हम आपको बताएंगे समोसे किस तरह और कैसे बनाए जाते हैं, जो बहुत ही ईजी तरीके से बनने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम मैदा और 500 ग्राम आलू। हाँ फ्रेंड्स, ये हाफ के जी मैंने आलू ले लिए हैं, जो कि मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मैदा भिगो लूँगी। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी 1 स्पून अजवाइन की। तो देखिए, ये मैंने छोटी चम्मच एक अजवाइन की ली हुई है। इसे मैं हाथों में क्रश कर लूँगी और इसे अपने मैदे के अंदर डाल लूँगी, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे मोइन। मोइन में मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। तो देखिए, मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच छोटे मोइन डाल लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। 2 स्पून मैंने इसमें नमक डाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मोइन डाल लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी। आपको मोइन काफ़ी अच्छे तरीके से मिला लेना है, तभी आपकी समोसे क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। इसमें इस तरह नमक भी मिल जाएगा अच्छे से और मोइन भी मिल जाएगा। अगर आपको अपना मोइन कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ। पहले मैंने 2 स्पून डाला था, 1 स्पून और डाल लिया है। मोइन इसमें डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप मोइन नहीं डालेंगे तो आपके समोसे क्रिस्पी और कुरकुरे बिल्कुल नहीं बनेंगे, और मोइन से आपके समोसे काफ़ी स्वादिष्ट भी बनते हैं और खाने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मोइन इसमें कितना डालना था। तो देखिए, आप इस तरह आटे को लीजिएगा और देखिए, अगर इस तरह आपका आटा इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब समझिए कि आपका मोइन काफ़ी अच्छा डला हुआ है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा पानी। पानी हमने मीडियम लिया हुआ, आई मीन ठंडा पानी लिया हुआ है। अब हम इसके एक डो लगा लेंगे। तो देखिए, आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालें, एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो आपका जो डो है वो लूज़ हो जाएगा। और आपको इसका मीडियम डो लगाना है, ना तो ज़्यादा लूज़ और ना ही ज़्यादा टाइट। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसी तरह डाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आटा गूंथ लिया है। मैंने अपने आटा नॉर्मल बनाया है, आप देख सकते हो, आपको इस प्रकार का अपना आटा रखना है। तो देखिए, मैं इसे थोड़ा चिकना कर दूंगी ताकि इस पर ऊपर पपड़ी ना आए, और इसे रेस्ट के लिए रख दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5 से 7 आलू लिए हुए हैं। अब मैं अपने आलूओं को क्रश कर लूँगी, क्योंकि हमें अपने आलूओं का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेना है, जो कि हम अपने समोसों के अंदर भरेंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने आलू को क्रश कर लूँगी। ये मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, आप देख सकते हो, क्योंकि आपको इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं करना है। थोड़ा मोटा आलू ही समोसों में अच्छा लगता है, तो मैं इसे ऐसा ही रहने दूँगी। अब हम इसे अपनी कढ़ाई में एक तड़का लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए, मैंने अपनी गैस पर कढ़ाई रख ली है। तो देखिए, मैं अब इसमें ऑयल डाल लूँगी। तो देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी ऑनियंस, जो कि मैंने बारीक काट रखे हैं। ऑनियंस इसमें आप बारीक ही काटें। तो देखिए, मैंने ऑनियंस डाल लिए हैं और अब मैं इसे हिला दूंगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ी सी मटर। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मटर डाल दी है ताकि हमारी थोड़ी मटर भी इसी के अंदर पक जाए। और मैं अब इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा नमक। तो देखिए, मैं अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक ताकि हमारी जो मटर है वो जल्दी पक जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च, जो कि मैंने बारीक काट ली थी, और इसे भी हिला दूंगी। और अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने लिया हुआ है धनिया पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसे हिला दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। तो देखिए, हमारे मसाले सभी अच्छे से पक चुके हैं, आप देख सकते हो। अब हम इसमें डाल लेंगे अपने आलू, जो कि मैंने क्रश कर लिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें क्रश किए हुए आलू डाल लिए हैं।
और अब इसका मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी जो कि हमारे समोसों के अंदर भरा जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे अपने बाउल में निकाल लूँगी ताकि हमारा ये पेस्ट ठंडा हो जाए और हमारे समोसे में भरने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें तो थोड़ा सा मैं अपने आटे को और गूँथ लेती हूँ और इसमें से हाफ़ ले लेती हूँ और हाफ इसमें से रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह बेल लेती हूँ, इसकी लोई बना लेती हूँ। मैं इसकी इस तरह लोई बना लेती हूँ और अब इसे बेल लूँगी थोड़ा सा चिकना हाथ लगा कर। तो देखिए मैंने दोनों तरफ इस पर चिकना हाथ लगा लिया है और अब मैं इसे बेल लूँगी क्योंकि हमें इसका समोसा बनाना है। तो पहले हम इसे रोटी की तरह चारों तरफ से बेल लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसको इस तरह आप पतला बेल लेंगे, ज़्यादा मोटा बिल्कुल ना बेलें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसकी गोल रोटी बना ली है। अब मैं इसे बीच में से काट लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बेल लिया है और बिल्कुल गोल आकार में बना दिया है। अब मैं इसका समोसा बनाऊंगी। अब मैं इसे उठाकर इसकी चारों तरफ तीनों तरफ पानी लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, मैं इसके कॉर्नर पर थोड़ा पानी लगाऊंगी ताकि हमारा ये समोसा बनकर तैयार हो जाए और इस तरह से चिपका दूँगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह चिपका दिया है और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसे मोड़ लूँगी। अब हम जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था वो मसाला अपने समोसे में भर लूँगी। तो जितना आप मसाला इसमें डाल दो, डाल सको उतना डाल लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें आलू भर लिया है, आप देख सकते हो। और अब मैं इसे इस तरफ से हल्का सा पानी लगा के इसे मोड़ लूँगी। देखें, अब मैं सबसे पहले यही परत इसे यहाँ पर पहुँचाकर इसे बंद कर दूँगी। अब इसके भी अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि आपका समोसा अच्छे से चिपक जाए और बीच में बिल्कुल ना खुले। तो देखिए, मैंने इस तरफ से भी इसे काफ़ी अच्छे से बंद कर लिया है। आप इसे दो बार ज़रूर इस तरह बंद कर लें। तो देखिए, हमारा समोसा बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार मैं अपने सभी समोसे बना बना के रख लूँगी। अब मैं इसे अपने प्लेट में रख देती हूँ और दूसरा समोसा भी इसी तरह मैं उठाकर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें हाफ पार्ट में पानी लगा लेती हूँ और इसे इस तरह उठाकर इसे बंद कर लेती हूँ। जो पानी वाला भाग है आपको वो ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह इसे चिपका देना है। तो देखिए, मैंने इसे चिपका लिया है और फिर इसका इसको बिल्कुल इस प्रकार कटोरी सी बनाकर इसमें आलू भर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसे थोड़ा सा मोड़ लेती हूँ और इसकी इस स्टफिंग को अच्छे से अंदर की तरफ दबा दबा के भर लेती हूँ और इसके चारों तरफ से पानी लगा लेती हूँ। और सबसे पहले मैं पहले इसे बंद करूंगी और फिर दोनों तरफ से इसे भी दबा दबा के बंद कर दूंगी। तो देखिए, हमारा समोसा ये भी बनकर तैयार हो चुका है, इसे भी मैं रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये 5 से 6 समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इन्हें तल लूँगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, आप इसी प्रकार इसे बना लीजिएगा। और देखिए, ये हमारा मैंने ऑयल अपनी गैस पर रख दिया था। धीरे धीरे करके अपने समोसों को अपने ऑयल में छोड़ दूँगी। हमें अपने समोसों को तलना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें 4 समोसे डाल दिए हैं। आपको इन्हें धीरे धीरे लो फ्लेम पर ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है। जब आपके समोसे धीरे धीरे बनेंगे तभी आपके समोसे क्रिस्पी होंगे, आप इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने अपनी लो फ्लेम कर रखी है और हमारे समोसे धीरे धीरे बन रहे हैं। आपको इसे धीरे धीरे इसी तरह पका लेना है। इससे पकाने में आपको 5 से 10 मिनट आराम से लग जाएगी क्योंकि आप इसे लो फ्लेम पर पका रहे हैं। इसलिए
अगर आपने इसे हाई फ्लेम पर पकाया तो आपके समोसे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप इसी प्रकार इसे धीरे धीरे पका लीजिएगा। अब मैं इसमें दो समोसे और छोड़ दूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई में 6 समोसे हो गए हैं। आपकी कढ़ाई में जितनी जगह हो आप उतने समोसे डालिएगा। अगर आपकी कढ़ाई छोटी हो तो आप 2 से 3 डालिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे समोसे हल्के ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अभी मैंने थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाए और ये खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट और अच्छे लगें। तो देखिए फ्रेंड्स आपके समोसे का काफ़ी अच्छा कलर हो चुका है, आप देख सकते हो। आपको इसी कलर में आने के बाद अपने समोसे को उतार लेना है क्योंकि अभी ये ना तो ज़्यादा कच्चे हैं और ना ही ज़्यादा पके हुए हैं। ऐसे ही कलर करके इसके उतार लेना है, आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो एक एक करके मैं अपने सभी समोसों को अब निकाल लूँगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने अपने सभी समोसों को निकाल लिया है। अब मैं अपने ऑयल में और समोसे डाल दूँगी। तो इसे भी मैं धीरे धीरे बनने दूंगी। फ्रेंड्स हमारे कितने सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, देखिए। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपने घर पर ही समोसे बनाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगले एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।